गौरव के दिनों में आप तीनों सेनाओं के जवानों को, शहीदों को याद करते हुए सैल्यूट करते हुए देखा होगा, या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर भी सेना प्रमुख अमर जवान ज्योति पर शहीदों के गौरव को सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या आप गौर करते हैं कि तीनों सेना के प्रमुख अलग अलग तरीके से सैल्यूट करते हैं? हर सेना प्रमुख अपने अपने तरीके से सैल्यूट करते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि तीनों सेना एक ही तरीके से सैल्यूट करती है या सैल्यूट को लेकर कोई नियम नहीं है, तो आप गलत हैं। सेना के सैल्यूट को लेकर नियम है और हर सेना के जवान और प्रमुख को उसी तरीके से सैल्यूट करते हैं। दरअसल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सेना के जवानों को सैल्यूट करते हुए हम सभी ने देखा है। इस दौरान वे अपने से बड़े को सम्मान देते हैं। इसके साथ ही सैल्यूट करना इस बात का भी प्रतीक होता है कि उनके पास इस समय कोई हथियार नहीं है और हर कोई उन पर विश्वास कर सकता है। इंडियन नेवी यानी कि जल सेना के जवानों या सेना प्रमुख को आप देखते हैं तो वो खुली हथेली से सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनकी हथेली नीचे की ओर होती है। इस सैल्यूट के पीछे की वजह ये है कि वो पुराने जमाने में जहाज में काम करते थे, उनका हाथ गंदा रहता था, जिसे छुपाने के लिए वो हथेली को नीचे की तरफ करके सैल्यूट करते थे, और तब से ही इंडियन नेवी ऐसे ही सैल्यूट करती है। अब आपको बताते हैं कि एयर चीफ के जवानों या एयरफोर्स चीफ के सैल्यूट के बारे में। कुछ सालों पहले तक वायुसेना के जवान आर्मी जवान की तरह ही सैल्यूट करते थे, लेकिन साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के लिए सैल्यूट का एक नया फॉर्म तैयार कर दिया। जी हाँ, इस नए फॉर्म के अंतर्गत वे अपनी हथेली और जमीन में 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो एक लड़ाकू विमान की शेप में दिखता है। इसका अर्थ ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स आसमान की ओर अपने बढ़ते कदम को दर्शाती है। अब आपको बताते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के जवान अपने खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं। इसमें सभी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती हैं। इसके अलावा बीच की उंगली और अंगूठा आपके सिर और आईब्रो तक होता है। इस खबर को देखकर उम्मीद करते हैं कि आप अपना ज्ञान जरूर बढ़ाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।